हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ये एग्ज़ाम 18 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है एस बिहार का देखिए अगर हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन को देखें ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी मार्क्स आर मैंसनड ऑन द राइट साइड ऑफ ईच क्वेश्चन ठीक है सभी क्वेश्चन को करना है और मार्क्स जो है वो राइट right साइड में दिया हुआ है टोटल मार्क्स सेवेंटी है ठीक है तीन आवर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीस है प्रत्येक जो है एक नंबर का है पहला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ आइनोसफियर फ्रॉम ग्राउंड इज अबाउट ठीक है आइनोसफियर का हाइट पूछ रहा है ग्राउंड से कितना होगा तो ये जो है फोर्टी एट किलोमीटर होता है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा फोर्टी एट किलोमीटर दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कॉम्युनिकेशन इज देखिए ग्लोबल कॉम्युनिकेशन के लिए कितना सेटेलाइट चाहिए तो तीन सेटेलाइट चाहिए तीन सेटेलाइट से जो है पूरे जो है कवर हो जाता है तो ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए कितना सेटेलाइट चाहिए तीन चाहिए ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री है सिंक्रोनस सेटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ वंस इन कितना घंटा में होता है चौबीस घंटा में जो है ट्वेंटी फोर आवर में जो है सिनिक्रोना सेटेलाइट जो है जो सैटेलाइट सेटेलाइट वो क्या करता है अर्थ को ये करता है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर आवर डी डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर है पी आर एफ स्टैंड फोर पी आर एफ का फुल फॉर्म क्या होता है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड इज नियरली प्रोपोस्फेयर का हाइट जो है ग्राउंड से कितना होता है तो वो 15 किलोमीटर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है इन स्काई वेब प्रोपोगेशन प्रोपगेटेड वेव्स आर रिफ्रैक्टेड फ्रॉम स्काई वेब प्रोपगेशन में प्रोपोगेटेड वेव कहाँ से रिफ्रैक्ट होता है आइनोसफेयर से ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन है ट्रांसपोंडर इज यूज टू रिसीव सिग्नल ट्रांसमिट सिग्नल बोथ ही एंड बी हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांसपोंडर जो है सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट दोनों के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ फैसीमाइल सिस्टम फेसीमाइल सिस्टम इन फैक्स का कौन सा पार्ट है रिकॉर्डर स्कैनर मोडेम ऑल ऑफ द भ सभी जो है इसका पार्ट है ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एम टी आई रेड एम क्या हो गया मूविंग टारगेट इंडिकेटर मूविंग टारगेट इंडिकेटर रेडार का जो है कौन सा पार्ट है फेज डिटेक्टर होता है डिले लाइन दोनों होता है बोथ ए एन बी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टू वे कम्युनिकेशन कौन सा टू वे कम्युनिकेशन करता है तो सेल फोन टू वे कम्युनिकेशन करता है पेजर पेजर वन वे कम्युनिकेशन भी करता है टू वे कम्युनिकेशन भी करता है दोनों तरह का पेजर आता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथे एन बी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एलेवन है मोडेम्स आर यूज फोर मोडेम का यूज जो है पावर सप्लाई और डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए किया जाता है बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द थिकनेस लेयर ऑफ आइनोसफेयर इज सॉरी द थिकेस्ट लेयर सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सा होता है तो एफ टू लेयर सबसे थिकेस्ट होता है ऑप्शन डी हो जाएगा थर्टीन है द मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल फॉर्मेट इज सबसे ज्यादा यूज स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल फॉर्मेट कौन होता है एच पॉइंट टू सिक्स फोर एच डॉट टू सिक्स फोर ये जो है यूट्यूब वगैरह में भी किया जाता है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा थर्टीन का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल इज गिवेन बाई एम का जो है बैंडविड्थ क्या होता है ट्वाइस ऑफ मॉडूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फिफ्टीन है एच एक्स कॉमा वाई इज कॉल टू एच वाई बाई एक्स प्लस एच ऑफ एक्स या एच एक्स कॉमा वाई इज कॉल टू क्या हो जाएगा एच ऑफ एक्स बाई वाई और प्लस एच ऑफ वाई दोनों होता है यहाँ पे वाई बाई एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाएगा वो एच ऑफ एक्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा फिफ्टीन का क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है आर में स्ट्रॉन्ग इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ आर में स्ट्रॉन्ग का यूज किया जाता है इनडायरेक्ट एफ एम जनरेशन के लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट एफ एम जनरेशन के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है इन रेडार सिस्टम द चेंज इज चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज कॉल इसको हम लोग डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं रेडार सिस्टम में चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है उसको हम लोग डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन है चैनल कैपेसिटी इन कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन चैनल कैपेसिटी जो है किस पे डिपेंड करता है बैंडविड्थ और सिग्नल टू नॉइज रेशियो दोनों पे करता है बोथ एंड बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन है फ्रीक्वेंसी ऑफ कूब बैंड फोर सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज कूब बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है तो बारह से अट्ठारह गीगा हर्ज होता है ठीक है यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है मैन मेड नॉइज इज यूजली फ्रॉम मैन मेड नॉइज जो है कहाँ से होता है सरफेस वेव से जिसको हम लोग ग्राउंड वेव भी बोलते हैं ऑप्शन A हो जाएगा ट्वेंटी का ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर टू है जो कि चार नंबर का है राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इसी का और क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल नॉइज एंड एक्सटर्नल नॉइज एक्सप्लेन इंटरनल नॉइज और एक्सटर्नल नॉइज को एक्सप्लेन करना है इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्टले सैनन प्लॉ क्वेश्चन नंबर फोर है एक्सप्लेन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोना सेटेलाइट इसी का और क्वेश्चन है इन ए फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव द फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट इज 75 फाइव किलोह पर वोल्ट एंड द सिग्नल एम्पीच्यूड इज 2 वोल्ट फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डेविएशन कॉन्स्टेंट दिया हुआ है मतलब के दिया हुआ है कितना सेवेंटी फाइव किलो हर्ज पर वोल्ट ये आपका मैक्सिमम सॉरी फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल जिसको हम लोग ई ऑफ एस से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल ई ऑफ एस ये टू वोल्ट दिया हुआ है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ निकालना है डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है के इन टू ई एस मतलब के क्या हो गया फ्रीक्वेंसी डेविएशन कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी डेविएशन कॉन्सटेंट इन टू एम्पलीच्यूड ऑफ सिग्नल तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना जाएगा सेवेंटी फाइव इंटू टू कितना जाएगा वन फिफ्टी किलोहर्ज ये आपका आंसर हो जाएगा वन फिफ्टी किलो हर्ज चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव है व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड मॉडलेशन एम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए एम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन से क्या समझते हैं और ए एम का एक्सप्रेशन को डिराइव करना है इसी का और क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर में क्या लॉस होता है इसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिराइव द रेडार रेंज इक्वेशन इसी का और क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन द स्काई वे प्रोपोगेशन ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर सेवन है कम्प्लेन सॉरी एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ आइनोस्फेयर इसी का और क्वेश्चन में पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एपर्चर स्कीप डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर एट है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग सेटेलाइट कम्युनिकेशन इसी का और क्वेश्चन है एरेडार सिस्टम हैज अनएम्बिगस रेंज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर कंप्यूट करना है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी एंड पल्स रिपीटेशन इंटरवल देखिए पल्स रिपीटेशन पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ पल्स रिपीटेशन इंटरवल होता है मतलब एक निकाल लीजिएगा तो दूसरा क्या होगा ऑलरेडी निकल जाएगा या पल्स रिपीटेशन इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई पी आर है पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी तो चलिए हम लोग देखते हैं पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम अनएमी रेंज रेंज इक्वल टू होता है अनएमगी रेंज रेंज इक्वल टू होता है सी बट्टे टू इन टू पी आर एफ पी आर एफ क्या है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ से कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पी आर एफ टू क्या हो जाएगा पी आर एफ टू हो जाएगा सी ये स्पीड ऑफ लाइट है बटे टू इन टू रेंज ठीक है पुट कर दीजिए तो सी का वैल्यू थ्री इंटू टेन टू डी पावर एट मीटर पर सेकेंड और टू इंटू मैक्सिमम अन एमबीएस रेंज कितना दिया हुआ है एक सौ किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में कर लीजिए तो एक सौ गुने दस पर पावर तीन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपको पी आर एफ निकल जाएगा तो यहाँ से पी आर एफ इज कॉल टू क्या आ जाएगा देखिए थ्री इंटू टेन टू डी पावर एट ऊपर में हो गया नीचे में क्या जाएगा टू इंटू ये एक सौ गुने दस पर पावर तीन है तो दस पर पावर पाँच हो जाएगा तो मतलब दो गुने दस पर पावर पाँच तो क्या जाएगा तीन बटे दो गुने दस पर पावर ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा दस पर पावर आठ माइनस दस पावर दस पर पावर आठ माइनस पाँच तो दस पावर तीन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू दस पर पावर तीन आ गया ये आ गया वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू डी पावर थ्री पी पी एस ये पी आर एफ इजकॉल टू आ गया तो पी आर आई पल्स रिपीटेशन इंटरवल इजकल टू निकाल दीजिए तो वन बाई इतना हो जाएगा वन बाई वन पॉइंट फाइव इंटू टू पावर थ्री चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन है डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फैक्स मशीन क्वेश्चन नंबर टेन है एक्सप्लेन हाउ इज पिन डायोड यूज एज ऑप्टिकल डिटेक्टर और टेन का और क्वेश्चन में है एफ एफ एम वोल्टेज वेव इज गिवेन बाय दिया हुआ है फाइंड करना है कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन इंडेक्स और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन को फाइंड करना है तो देखिए ये जो इक्वेशन है वी ऑफ टी इज क्वल टू क्या लिखा जाता है ये ई सी कॉस ओ सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एस टी बस इसको ध्यान में रखना है तो यहाँ से कम्पेरिजन कीजिए दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को कम्पेरिज़न कीजिएगा तो कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इजकअल टू क्या हो जाएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इजकअल टू हो जाएगा जिसको हम लोग एफ़ सी से डिनोट करते हैं ओमेगा सी बटे टू पाई क्योंकि टू पाई एफ सी ओमेगा सी इज इजकॉल टू टू पाई एफ़ सी तो एफ सी इजक्ल टू क्या हो जाएगा ओमेगा सी बटे टू पाई हो जाएगा और ओमेगा सी का वैल्यू कंपेरिजन कीजिए यहाँ से तो कितना दिया हुआ है सिक्स इंटू टेन टू दी पावर एट दिया हुआ है अब बट्टा टू पाई कर दीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स हर जा जाएगा कैरियर फ्रीक्वेंसी निकल गया उसी तरह सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज कॉल टू क्या हो जाएगा एफ एस से हम लोग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ओमेगा एस बट टेट टू पाए यहाँ से कम्पेरिजन कीजिए ओमेगा एस तो साइन तो ये कितना है बारह सौ पचास दिया हुआ है ना तो बारह सौ पचास यहाँ पर साइन ओमेगा एस टी यहाँ पर साइन ओमेगा एस टी तो बारह सौ पचास बट्टे टू पाई आ जाएगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कैलकुलेट कीजिएगा एक सौ निन्यानवे हर जा जाएगा ये दोनों निकल गया मॉडुलेशन इंडेक्स देखिए यहाँ पे फिर इस में कंपेरिजन कीजिएगा तो ये पाँच क्या है ये एम एफ मॉडुलेशन इंडेक्स दिया हुआ है ठीक है अब जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन पूछ रहा है मॉडुलेशन इंडेक्स निकल गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मतलब डेल एफ इज इक्वल टू क्या होता है मॉडुलेशन इंडेक्स इन सिग्नल फ्रीक्वेंसी तो मॉडुलेशन इंडेक्स फाइव है और सिग्नल फ्रीक्वेंसी एक सौ निन्यानवे आया है तो यहाँ से कितना जाएगा नौ सौ पचपन सॉरी नौ सौ पंचानवे हज तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर एलेवन है एक्सप्लेन डिस्क्रीट चैनल एंड रिडंडेंसी इन इंफॉर्मेशन थ्योरी इसी का और क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग दो किसी दो को करना है फैक्स है थ्री जी है और भी ओ डी है इस तीन में से कोई दो पे करना है तो आप देख सकते हैं ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्ज़ाम 18 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा ये सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच